नमस्कार, मैं रिशु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना देरी के जीके एक्सप्रेस के टॉप 30 क्वेश्चंस को 10 मिनट में पूरा किया जाए। ये 30 क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन है बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी या अकबर बनाम हेमू। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? ऑप्शन है राणा सांगा बाबर, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान अकबर, थर्ड है जुझार सिंह शाहजहां या चौथा जसवंत सिंह औरंगजेब। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, पृथ्वीराज चौहान अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, शाहजहां। चौथा क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जन या गुरु हरगोविंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, गुरु अंगद, गुरु अंगद देव बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है प्रताप रुद्र, अनंत वर्मन, नरसिम्हा प्रथम या नरसिम्हा द्वितीय। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, नरसिम्हा प्रथम। ये सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है देवगिरी, वाराणसी, कांचीपुरम या फिर कृष्णगिरी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही मेल नहीं खाता? ऑप्शन है अलबेरूनी उज्बेकिस्तान, सेकंड मार्को पोलो इटली, थर्ड इब्न बतूता मोरक्को या फोर्थ निकेतिन स्मरकंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, निकेतिन स्मरकंद। अगला क्वेश्चन है, पोलियो टीके मुख्य का अन्वेष किसने किया था? ऑप्शन है जोनास सॉल्क, अल्बर्ट सेबरिन, बर्कहोल्डर या रॉबर्ट कोच। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, अल्बर्ट सेबरिन। नाइन्थ क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन है पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु या फिर कैपलर। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, यूक्लिड। दसवां क्वेश्चन है, सेलुलर फोन का पिता किसे कहते हैं? मतलब सेलुलर फोन का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है लिनस टॉल्ड, पर्सी लेब्रान स्पेंसर, फ्रेड मॉरिसन या फिर डी ऑप्शन मार्टिन कूपर। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी मार्टिन कूपर होगा। 11वां क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? ऑप्शन है क्रिश्चियन बोनार्ड, माइकल दी बेकी, वाल्टन लिलेन, डेंटन कुल्ली। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, क्रिश्चियन बोनार्ड। अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्शन है चुंबकीय, वैद्युत, प्रकाशिक या विद्युत यांत्रिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, प्रकाशिक। 13वां क्वेश्चन है, WLL का पूरा रूप है? वॉकिंग लैंडलाइन, वॉकिंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या फिर वायरलेस इन लोकल लूप। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, वायरलेस इन लोकल लूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है। ऑप्शन है एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या फिर आंतरिक परिपथ। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, एकीकृत परिपथ। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 TB हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी। ऑप्शन है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, HCL इन्फो सिस्टम, विप्रो या फिर IBM। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, HCL इन्फो सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है। ऑप्शन है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, या फिर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी विमाएँ हैं। ऑप्शन है 10 to 3 meters तक, 10 to 6 meters तक, 10 to 9 meters तक या फिर 10 to 12 meters तक। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 10 to 9 meters तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या फिर कॉपर के। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, सिलिकॉन के, सिलिकॉन बेस्ड चिप्स होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन है मुद्राएं, मिट्टी के बर्तन, नावें या फिर मकान। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, मुद्राएं। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1921 होगा, बी है 1942, 1934, 1922। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, 1921। ये हड़प्पा वाले क्वेश्चंस को हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उसमें सारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें। वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देखें, आपको सारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक ही जगह पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। ऑप्शन है नालियाँ और कुएँ, दुर्ग, धान्यागर या फिर शिखर सहित मंदिर। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, शिखर सहित मंदिर। इसको भी हमने उस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया है पूरा, इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 मिनट में 30 क्वेश्चंस करना होता है, तो आप लोग वहां से जाकर वीडियो को दोबारा देखें और एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें पूरा डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगम, हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी या फिर शिव और शक्ति। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, पत्थर, पेड़ और पशु। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ऑप्शन है कालीबंगम, दुर्ग का मतलब फोर्ट होता है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड मोहनजोदाड़ो या फिर चानूदाड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, चानूदाड़ो। 25वां क्वेश्चन है, रेड क्लिप लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और चीन।
इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 821.2 पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन है यह भारतीय मानक समय का निर्धारित करता है, यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है, या फिर यह पूर्वी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, श्रीलंका होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, देहरादून। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल या फिर गोवा। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, जम्मू और कश्मीर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव या फिर चंडीगढ़। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, लक्षद्वीप। ये सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। इस तरीके से आज का 10 मिनट में टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ये डेली बेसिस पे कंडक्ट कराई जाती है, तो आप लोग डेली जुड़े रहें। डेली 10 मिनट में 30 क्वेश्चंस को कराया जाता है, तो आप लोग बने रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।